इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में या फिर वर्डप्रेस की ब्लॉग में विदाउट प्लगइन साइड बार को किस तरह से ऐड करते हैं। तो साइड बार को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें साइड बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइड बार क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, उसके बाद विडजेस में। विडजेस में आने के बाद आपको यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको साइड बार पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो साइड बार पर क्लिक करने के बाद आप साइड बार पर जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर ऐड करवाना है। तो ऐड करने के लिए आप इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो और जो भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैंने पहले से भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करके रखे हैं, रिसेंट पोस्ट, कैटेगरीज, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए साइड बार पर। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। यहाँ पर अपडेट होने के बाद आपको आपके पेज का या फिर पोस्ट का लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो लेआउट सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके थीम के कस्टमाइज सेक्शन में। तो थीम का कस्टमाइज सेक्शन ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज सेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये रहा मेरा थीम का कस्टमाइज सेक्शन। तो यहाँ पर आने के बाद आप अगर पेज पर साइड बार ऐड करवाना चाहते हो तो आपको लेआउट सेक्शन में जाना है और लेआउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको साइड बार वाला लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर मेरी पोस्ट पर साइड बार ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा पोस्ट में और यहाँ पर सिंगल पोस्ट में। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन मुझे दिए गए हैं, एक राइट साइड बार, एक लेफ्ट साइड बार और एक फुल विड्थ और एक फुल विड्थ सेंटर कंटेंट। तो मैं अभी राइट साइड में साइड बार ऐड करवाना चाहता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी पोस्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पोस्ट यहाँ पर फुल विड्थ में अभी है, यहाँ पर कोई साइड बार ऐड किया हुआ नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपरली पब्लिश हो चुका है। तो अभी पोस्ट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हमारा साइड बार प्रॉपरली ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो ये हमारा ब्लॉग का कंटेंट यहाँ पर है साइड में और ये राइट साइड में हमारा साइड बार, यहाँ पर रिसेंट पोस्ट, कैटेगरीज यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। तो लगभग सारे वर्डप्रेस थीम में साइड बार ऐड करने के लिए साइड बार की फंक्शनैलिटी दी जाती है, लेकिन आपके थीम में साइड बार ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप सिंपली प्लगइन की मदद से साइड बार ऐड करवा सकते हो। तो प्लगइन की मदद से साइड बार ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है साइड बार। तो जैसे आप यहाँ पर साइड बार सर्च करोगे तो आप ये लाइट वेट प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो और साइड बार को ऐड कर सकते हो इजी तरीके से। तो मैं यहाँ पर आप प्लगइन के डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ किस तरह से प्लगइन ऐड करना है आपको। तो लगभग यहाँ पर आप पोस्ट, पेजेस दोनों में साइड बार ऐड करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक लेआउट दिखाई देगा। अपेरेंस में जाना है और यहाँ पर साइड बार ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है आप अगर नया साइड बार ऐड करवाना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर आप इजी तरीके से साइड बार ऐड करवा सकते हो। तो प्लगइन की मदद से साइड बार ऐड करने के लिए आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आई होप साइड बार किस तरह से ऐड करते हैं इसके लिए आपको एक बेसिक सी आइडिया मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।